हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मनीषा वर्मा एंड यू ऑल आर वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th लेसन 4 ईच. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी थर्मामीटर. बच्चों, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम चीज़ों का टेम्परेचर नापते हैं. जैसे आई वॉन्ट टू शो यू लेबोरेटरी थर्मामीटर. दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर. स्टूडेंट्स, पहले डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे. जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे, ये जो है चलता था पहले, जो कि वेदर रिपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते थे. यू कैन सी दिस इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड लुक एट दिस केयरफुली. इट हैज़ टू पॉइंट्स, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट. एंड द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ -10 degrees Celsius टू 110 degrees Celsius. यू कैन सी इन द वीडियो दिस इज़ 110 एंड हियर द बिलो पॉइंट दिस इज -10 degrees Centigrade. नाउ स्टूडेंट, आप इसमें आपने ये देखा, इस प्रकार से हम लेबोरेटरी में चीज़ों के टेम्परेचर को आसानी से नाप सकते हैं. नाउ वी विल डू एक्टिविटी. टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग. आप नल का पानी ले लीजिए बीकर में, इसमें आप थर्मामीटर को डालिए. लेकिन आप ये ध्यान रखें कि थर्मामीटर उस बीकर या मग से कहीं भी टच नहीं होना चाहिए. थर्मामीटर को बिल्कुल सीधे आपको पकड़ना है, बिल्कुल वर्टिकली. इसके बाद मरकरी को देखिए, उस कैसे मूव करती है. आप उसको आप वेट करिए कि मरकरी बिल्कुल स्टडी यानी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए. आपको कैसे नापना है, आई वांट टू शो यू इन दिस फिगर. यू कैन सी इन दिस वे यू हैव टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ टैप वाटर. नाउ नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. आप ये हर स्टूडेंट इस प्रकार से एक्टिविटी कर सकता है. इस प्रकार से यदि हर स्टूडेंट करेगा, देयर आर मैनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स. सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 4.5. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और मग. नाउ डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर. इसके बाद हम मरकरी के स्थिर होने का वेट करेंगे. इसके बाद हम टेम्परेचर को रीड करेंगे. नाउ अब थर्मामीटर को हम बाहर निकालेंगे. आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम थर्मामीटर को बाहर निकालते जाते हैं पानी से, वैसे वैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर डाउन होता जाता है. इसका मतलब ये है कि जब थर्मामीटर गर्म पानी के अंदर था उसका टेम्परेचर कुछ और था, और जब बाहर निकाला तो उसका टेम्परेचर कुछ और हुआ. इस प्रकार से हम अपना टेम्परेचर लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से. जब हम लेते हैं तो हम अपने मुंह में डालते हैं, उसके बाद मुंह से बाहर निकाल के हम उसका टेम्परेचर लेते हैं. यू कैन सी योर ओन टेम्परेचर विद द क्लिनिकल थर्मामीटर. नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द रूम. ऐसा क्यों नहीं होता है कि मर्करी या तो ऊपर नहीं होता या नीचे नहीं होता है. तो इनका थर्मामीटर को आप देखिए, इसमें एक किंक लगा होता है, जिसका किंक नियर द बल्ब. जो ये किंक क्या करता है, ये मर्करी के लेवल को जो है ऊपर नीचे होने से रोकता है. तो अब हम देखिए, दिस इज़ ए डिजिटल थर्मामीटर. दिस इज़ ए डिजिटल थर्मामीटर. यू कैन सी इन द फिगर देर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ. यहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मरकरी के इस्तेमाल में, क्योंकि मरकरी एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है और इसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत ही मुश्किल होता है अगर थर्मामीटर टूट जाए. इसलिए हम
इसलिए ज़्यादातर अब डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग होने लगा है। अब हम देखेंगे कि इन व्हाट वेज द हीट ट्रांसफ़र, नेक्स्ट हेडिंग इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्राइंग पैन को पकड़ें तो वो फ्राइंग पैन को गर्म करें तो वो क्या होता है बच्चों, वो गर्म हो जाता है क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम से उस बर्तन में पहुंच गई है। अगर हम उस फ्राइंग पैन को फायर से हटा दें, आग पर से हटा दें, गैस पर से उतार दें तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वो ठंडा हो जाता है। तो ये क्यों ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि पैन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है, जैसे आग फायर से या गैस से जो लौ थी उससे बर्तन में गई, बर्तन ठंडा था, अब बर्तन गर्म हो गया तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है तो गर्मी चीज से ठंडी चीज़ की ओर चली गई है। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र होती है। और बच्चों हीट तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा। तो कैसे करेंगे अब हम लोग, एक एक्टिविटी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले आप एक मेटल की स्केल या रॉड ले लेंगे, उसको स्टैंड में लगा देंगे या ईंटों के बीच में लगा देंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर सबसे पहले मोम चिपका देंगे, फिर मोमबत्ती उसके नीचे लगा देंगे। आप देखेंगे कि एक एक करके सबसे पहले जो सबसे पास है वो पहले गिरेगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, क्यों? क्योंकि हीट धीरे 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 दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, दिस इज़ हॉटर एंड देन कोल्डर एंड ट्रांसफ़र हो रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन इन सॉलिड्स, ज़्यादातर ये सॉलिड्स में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि ये कैसे होता है। यू कैन सी इन द फिगर देयर आर ए लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन द बीकर, हीट इज़ ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या सभी सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं हीट को? इसके लिए हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक मेटेलिक पैन को गर्म करते हैं और उसका हैंडल अगर प्लास्टिक और वुडन का होगा तो उसका जो हैंडल है वो गर्म नहीं होगा, तो आप आसानी से उसको उठा सकते हैं लेकिन हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। नाउ वी विल डू अनदर एक्टिविटी। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर, एक छोटे पैन में हमने पानी को गर्म किया। अब इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स रख दिए जैसे पेंसिल, प्लास्टिक स्केल, पेन, डिवाइडर, स्पून, जो चीज़ आपको मिल जाए। अब आप कुछ समय तक वेट करेंगे। अब आप दूसरे एंड को अगर आप टच करेंगे तो आप देखते हैं कि कुछ तो गर्म हो गए हैं और कुछ ठंडे ही रह गए हैं। हम किसी का नहीं, हम अपने आप सारा इंतजाम करते हैं, स्टैंड है हमारा, हम किसी के हेल्प नहीं लेते, घर पे भी हमारा स्टैंड है, डिब्बा डिब्बी, अरे छो ना बन रहा है, अभी रिज्यूम पर है, तुम आ गई थी तो रिज्यूम कर दिया। हम किसी के नहीं, पेज में आ जाता है। हाँ अच्छा, खिसका देती हूँ ऐसे। हाँ वो देखो रिज्यूम कर देते, सेट कर देते, फिर चलो अभी नहीं कि एक लोग लेके खड़े हुए। अब करना हो घर में इतने लोग किसी खेलने लो, स्कूल में उनका लोग मिला था, गुस्सा रहती है, अब ना भी नहीं कर पाती हो। अरे हम सोचो अकेले घर में सारा काम भी हो, वीडियो भी बनाते हैं, अरे यहाँ अपना कर लो, अरे ऐसे ले लो मोबाइल हाथ में, सब रस्में इसमें बनाती नहीं। देखो संगीता मैडम देखो पूरा बनाती हैं अकेले। चलिए अपन काम छोड़िए, तुम्हारा बनवाई चले, बस इतना बना लें, फिर ये बना लेंगे, बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं। एक दो एक्स्ट्रा बना रहता है तो ठीक रहता है ना। हाँ मेरे दो बने, कल एक के चार बना लिए,
अभी सेंड कर देंगे, ये बना ले। ठीक आप बताइए। हाँ 11:10 पे ख़त्म हो जाएगा।